स्टेटिस्टिक्स और हमारा टॉपिक है चतुर्थक विचलन। सबसे पहले हम ये जाने कि चतुर्थक विचलन क्या है और उसके बाद एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम ये विधि कि चतुर्थक विचलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आज हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन श्रेणी के चतुर्थक मूल्यों पर आधारित एक माप है। ये अपकिरण की माप है, सूत्र है क्यूडी बराबर क्वार्टाइल डिविएशन बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपान टू। तृतीय चतुर्थक क्यू थ्री प्रथम चतुर्थक क्यू वन के आधे, दोनों का जो अंतर करेंगे उसका आधा कर दें तो क्वार्टाइल डिविएशन जो है चतुर्थक विचलन ज्ञात हो जाएगा। और इसका जो कोफिशियंट होता है, गुणांक जो होता है, उस गुणांक का सूत्र जो है वो है कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन। ये इसका कोफिशियंट है। सबसे पहले संचयी आवृत्ति, तो हम जानते हैं संचयी आवृत्ति किस प्रकार से निकाली जाती है। तो पहले पांच गुणे तीस, तीस में ये तीन जोड़ दें तो तैतीस और ये दो जोड़ दें तो पैंतीस। अब संचयी आवृत्ति का जो अंतिम योग है वो ही तुम्हारा आवृत्तियों का कुल योग होता है। यदि ये दोनों अंतर आते हैं तो ये तुम समझ लो कि यहां हमने जोड़ने में संचयी आवृत्ति ज्ञात करने में गलती कर दी। अब सबसे पहले किसके लिए, प्रथम चतुर्थक के लिए, इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहले क्यू वन ज्ञात करते हैं और क्यू वन का अर्थ होता है एन बाई फोर्थ वैल्यू, एन बाई फोर। तो इसमें कौन सा आइटम जो है एन बाई फोर होगा? तो क्यू वन बराबर एन का मान पैंतीस, चार बटे चार, तो ये अगर भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा चार चार अठवत बत्तीस और तीन बचे तीस हो गया, तीस चार चार सत्ते अट्ठाईस और दो बचा चार पंचे बीस। आइटम वैल्यू अब इसमें 8.75 देखते हैं ये किस संचयी आवृत्ति में है। तो हम ये देखते हैं कि 8.75 आठ इसमें नहीं है, इस आगे वाले में है। तो ये वाला जो है तो सी वन पूर्व आवृत्ति तो इसमें है, तो इसके पहले वाली जो आवृत्ति सी वन, ये सी वन हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये क्लास हो जाएगा 20 से 30। तो इसमें लिख लें सी वन आठ, एफ हो जाएगा आपका 7 और क्लास हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 20 से 30। जो फार्मूला है Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में Q1 माइनस C। सारी वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा Q1 ज्ञात हो जाएगा। चतुर्थक विचलन प्रथम इज इक्वल टू L1 का मान 20, L2 का मान 30, L1 का मान 20 बटे F का मान 7 और Q1 का मान आया था 8.75 और माइनस C1 का मान है 8।
सरल कर लें इसको, Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस ये आ जाएगा 10 बटे 7 और 8.75 से जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 7.5। और सरल इसको थोड़ा सा सरल कर लें तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा तो 7.5/7। 20 प्लस 1.07 तो कितना आ गया Q1 की वैल्यू 21.07। इस प्रकार से Q1 आ गया 21.07। फिर आगे लिख ले Q3 के लिए, Q3 के लिए क्या करेंगे हम, तो Q3 के लिए सबसे पहले स्मॉल Q3 ज्ञात करें तो 3n/4th आइटम, तो Q3 का मान कितना हो जाएगा 3 × n का मान 35/4, इसका मान अभी हमने ज्ञात किया है 8.75 तो 3 × 8.75 ये आ जाएगा Q3 बराबर 15/5 3×21 1×22 26.25। अब 26.25 ये किस संचयी आवृत्ति में है तो 26.75 इसमें आता है 30 में। तो C3 का मान जो हो जाएगा पूर्व संचयी आवृत्ति तो ये आएगा 20। F का मान हो जाएगा 10 और क्लास कौन सा है, क्लास है वर्ग है, कौन सा वर्ग है, वर्ग है 40 से 50, ये F हो जाएगी 40 से 50। सूत्र है Q3 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q3 माइनस C3। तो Q3 का मान कितना हो जाएगा, इसको 3 समझ ले इसको, तो L1 का मान 40, ये हो जाएगा 50 माइनस 40, F का मान कितना है 10 और Q3 का मान है 26.25 माइनस C3 का मान है 20, ये हो जाएगा Q3 40 प्लस ये हो जाएगा 10/10, ये घटा दें इसको तो ये आ जाएगा 6.25। Q3 का मान कितना हो जाएगा, 10 से ये 10 रिमूव कर दें तो 40 प्लस 6.25 बराबर ही हो जाएगा 46.25। तो इस प्रकार से Q1 ज्ञात हो गया और Q3 ज्ञात हो गया, Q3 का मान है 46.25। अब हम जो चतुर्थक विचलन है QD क्वार्टाइल डेविएशन तो वो ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा Q3 - Q1/2। अब उसके लिए हम ये साफ कर लेते हैं। अब QD के लिए हम जानते हैं क्या फार्मूला है, तो QD बराबर Q3 - Q1/2। Q1 का मान ये है, Q3 का मान ये है, तो QD बराबर
46.25 माइनस 21.07 अपॉन 2। क्यूडी का मान ये घटा दें तो इसमें आएगा 8 और ये हो जाएगा 1 और ये 5, 6 से 1 गया 5 और 4 से 2 गया 2 अपॉन 2। 2 का भाग कर दें इसमें, डिवाइड कर दें 2 से तो 1 ये हो जाएगा 2.5। तो क्यूडी का मान आ जाएगा 12.59। इस प्रकार से चतुर्थक विचलन का मान कितना आ गया 12.59। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये क्या है इसका सूत्र है, तो इसका सूत्र है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 का मान कितना है, Q3 माइनस Q1 का मान देखो ये हमने ज्ञात किया कितना आया था 25.18। जोड़ लें इसको तो 46.25 प्लस 21.07 ये हो जाएगा 25.18 अपॉन, जोड़ दें इसको तो 7 और 5 12 के 2 हासिल है 2 1 3 और 6 1 7 और 4 और 2 6। अब इसमें इसका अगर हम भाग दे देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.374। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन का जो गुणांक है वो ज्ञात हो गया।